हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नूं। मैं धर्मपाल सिंह हिसाब मास्टर गौरमेंट हाई स्कूल पतारा विखे सेवा निभा रहा हाँ। विद्यार्थियो, अपने पिछले लैक्चर दे विच असी जमात नौवीं का चैप्टर नंबर सत्तवां त्रिभुजां यानी कि ट्राइंगल्स जिहड़ा हैगा आ उह कवर कीता है। उह पूरे लैक्चर जिहड़ा आपां कवर कीता सी, कोशिश करांगे अज दे इस लैक्चर दे विच पहले लैक्चर तो लैके लास्ट लैक्चर तक जो भी असी इस चैप्टर दे बारे समझिया है या जानिया हैगा या उहनूं आपां पूरे नूं रिवाइज करांगे ते कोशिश करांगे कि इह वी जाण सकीए कि तुसी जिहड़ा हैगा इस चैप्टर दे विच अपनी पकड़ जिहड़ी हैगी उह मजबूत बना पाए हो कि नहीं बना पाए हो। हो सकता होवे तुहाडे विचों कोई बच्चे होण जिन्होंने कोई लैक्चर मिस कर दिता होवे, तां उह बच्चे भी जिहड़ा हैगा इह लैक्चर लगा के अपना जिहड़ा कंसैप्ट है उह क्लीयर कर सकदे हां। सो आओ विद्यार्थियों असीं स्टार्ट करदे हां अपना टॉपिक त्रिभुजां दी दोहराई। ठीक है, सब तो पहले विद्यार्थियों साडा कंसैप्ट की सी, साडा कंसैप्ट सी त्रिभुज। त्रिभुज की हुंदी है, त्रिभुज दे बारे जदों असीं गल कर रहे सी असीं देखिया सी कि त्रिभुज एक इदां दी बंद आकृति है जिस दीआं तीन भुजावां हन। तीन भुजावां कहिड़ियां हन? ए बी, बी सी ते ए सी। ठीक है जी, इह तीन भुजावां हन इहदीआं। ठीक है जी, इस दे तीन कोण हन, अंदरूनी कोण हन तीन, कोण ए, कोण बी ते कोण सी। ठीक है जी, ते इहो जी आकृति नूं जिहड़ा सीगा असीं की कहा गया सी, इह की सी? त्रिभुज सी। फिर असीं इह गल कीती सी कि इस त्रिभुज दीआं कुछ अपणीआं विशेषतावां हुंदीआं हन। इह तां कल्ली इक त्रिभुज है, जेकर इस त्रिभुज दे नाल कुछ होर त्रिभुज बना लईए, ठीक है जी, कुछ त्रिभुज बना के रख लीए, तो की इन्हां त्रिभुजां दा भी आपस दे विच कोई रिलेशन हो सकता है, इन्हां दा कोई आपस दे रिश्ता बन सकता है, या जे बन सकता है तो उहदे विच किहड़ियां किहड़ियां चीजां दी सानूं लोड़ हो सकती है, उहदे बारे असीं जांच के देखिया। विद्यार्थियों इस तों पहले असीं की कीता सीगा, जदों इह चैप्टर शुरू कीता सी असीं इह देखिया सीगा कि त्रिभुजां जिहड़ियां हैगियां उहनां बारे आपां जाण लिया। उस तों बाद असीं कीता सी कि दो त्रिभुजां दा आपस दे विच जिहड़ा रिश्ता है उह हुंदा है त्रिभुजां दी सरबंसमता। ठीक है जी, त्रिभुजां दी सरबंसमता। हुण सवाल इह पैदा हुंदा है कि सरबंसमता की चीज है। जदों असीं सरबंसमता नूं समझण दी कोशिश कीती तां असीं जाणिया कि मन लो मेरे कोल दो एक रुपए दे सिक्के हन। ठीक है जी, उह दोवें सिक्के एक दूजे दे उपर पूरे पूरे आ रहे सन ते उह की सन? दोनों सिक्के आपस च सरबंसम। उस तों बाद विद्यार्थियों आप नूं याद होवेगा कि मैं एक की कीता सी, एक एक्टिविटी तुहानूं करवाई सी, एक क्रिया करवाई सी, जिस क्रिया विच मैं तुहानूं कहा सी कि तुसीं की करो ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦਾ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ, ਆਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਟ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਆਹ ਦੂਜੀ ਆ, ਆਹ ਤੀਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਚੌਥੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਵੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਢੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸਰਬੰਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ। ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਰਬੰਸਮ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਏ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਰਬੰਸਮਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰਬੰਸਮਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਸਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਚੱਕੀ, ਆਹ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਚੱਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਹ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀ ਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
इस दे नाल ही मैं एक होर त्रिभुज जिहड़ा विद्यार्थी लैंदा हां उस त्रिभुज नूं मैं नाम दिंदा हां डी ई एफ दा ते डी ई एफ दे विच एक त्रिभुज आ 3 सेंटीमीटर दे लैंदा आ भी 3 सेंटीमीटर दे ते आ 4 सेंटीमीटर दी मैं देखिया कि इन्हां दो त्रिभुजां दे विच एक भुजा जिहड़ी हैगी आ कोई एक भुजा ले लो एक भुजा जिहड़ी है कोई बराबर है ते उन्हां बराबर दे नाल जदों मैं इन्हां एक दूजे नूं उपर रख के देखांगा ते मैं देखांगा कि इह सरबंसम नहीं बणदियां सो इहदा मतलब एक भुजा दे नाल मेरी गल कदे भी नहीं बनेगी फिर मैनूं इह विचार आया कि जे भुजा दे नाल इक कोण भी जिहड़ा है मैं लैके देख लवां तां शायद गल बण जावे तो फिर मैं की कीता नैक्सट दे विच मैं की कीता नैक्सट जिहड़ी त्रिभुज बनाई या कढ़ी उस त्रिभुज दे विच मैं आ कोण नूं 50 डिग्री रख लिया ठीक है जी आ वाली भुजा 4 सेंटीमीटर दी रख ली आ 5 सेंटीमीटर दी आ ते आ 6 सेंटीमीटर दी आ ठीक है जी हुण इक होर त्रिभुज मैं इदां दी कट ली उह त्रिभुज मैं थोड़ी जिही लंबी कट ली ठीक है जी आ 50 डिग्री ही रखिया मैं इहनूं 4 सेंटीमीटर रखिया ते आ मैं मापियां ली इह मैं 5 ते 6 वालों दे वांगू नहीं रखियां मैं अलग रख लईआं कोई ठीक है जी इस त्रिभुज दे विच मैं केवल ते केवल एक भुजा बराबर रखी सी इस त्रिभुज दे विच मैं एक कोण ते एक भुजा बराबर रखी पर मैं देखिया कि नहीं आ छोटी आ वड्डी आ नहीं बनदी पई क्यों नहीं बनदी उहदा कारण है कारण यह कि आ वाली भुजा तां जिन्नी मर्जी वधाई जा सकती है ते जे इह वाली भुजा मैं वधा देवांगा तां उह त्रिभुज कदी भी सरबंसम नहीं बनेगी उह छोटी भी बन सकती है जिवें आ देख लो इह भी एक त्रिभुज है देखो जेकर मैं आ इहनूं एक त्रिभुज मान लवां ते इस त्रिभुज दे विच कोण 50 डिग्री इधर 50 इधर 4 इधर भी 4 यानी कि एक कोण ते एक भुजा दे नाल इह गल नहीं बनदी फिर मैं की कीता इहदे विच इह नहीं बनदी गल फिर मैं की कीता फिर मैं एक चीज इत्थे लगा के देखी इह मैं 4 सेंटीमीटर रखिया इहनूं मैं 3 सेंटीमीटर ले लिया आ 50 डिग्री रखिया दूसरी वारी फिर मैं इही कम कीता इधर मैं 4 सेंटीमीटर रखिया इहनूं 3 सेंटीमीटर रखिया ते इहनूं 50 डिग्री रखिया जदों मैं इहनां तीसरी भुजा दे बारे मैं गल ही कीती मैं सिर्फ इहनां दो भुजावां दी गल ही कीती है ठीक है जी जदों मैं आ चीज देखी तां मैं देखिया कि हां मेरियां त्रिभुजां जिहड़ियां सीगियां उह बिल्कुल सरबंसम बन गया जदों मैं इधर दीआं त्रिभुजां आपस च कट्टियां ते एक दूजे दे उपर रख के देखियां तां मैनूं लग्गिया कि नहीं इह पूरे तरीके दे नाल इक दूसरे दे उपर आईआं होईआं आ सो इस करके इहनां दो त्रिभुजां नूं मैं की बोल दित्ता इह दोवें त्रिभुजां आपस दे विच की हन सरबंसम हन इह सरबंसमता लिखदा साडा टैंस सी उस तों बाद आपां इहनूं लिख के दे सकदे आ त्रिभुज ए बी सी सरबंसम है त्रिभुज डी ई एफ दे उदों मैं तुहानूं विद्यार्थियों इह भी लिखणा सिखाया सी कि इह किवें जिवें ए बी बराबर है डी ई दे देखो ए बी जिहड़ा है ओह डी ई दे बराबर है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ठीक है जी बी सी बराबर है ई एफ दे बी सी बराबर ई एफ दे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दोवें बराबर हन ते इसी तरीके नाल ए सी बराबर डी एफ दे यानी कि आ भी तिन्नां चीजां आपस विच बराबर आ गईआं ते कोण ए बराबर कोण डी दे देखो ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਸਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਬੰਸਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਸਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਰਬੰਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਕੀ ਸੀ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਉਹ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा दो त्रिभुजा ने साडे कोल जेकर उन्हां दो त्रिभुजा दीआं कोई दो भुजावां आपस दे विच बराबर हो जाणी यानी कि आ इहदे बराबर आ इहदे बराबर ते आ कोण बराबर हो जावे भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਬੰਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੰਸਮਤਾ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਥਿਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਥਿਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੀ ਸੀ
सो दूसरी थ्योरम दे विच विद्यार्थियों साडे कोल सी थ्योरम जी जड़ी उस थ्योरम दे विच मैं क्या सीगा ए एस ए यानी कि कोई दो त्रिभुजा साडे कोल नूं आ पहली त्रिभुज है विद्यार्थियों आ दूसरी त्रिभुज है इन्हां दो त्रिभुजा दे विच जेकर आ वाले दो कोण कोई आ भी हो सकते हैं लेकिन मैं इन्हां दी गल आ कोण इहदे बराबर है आ कोण इहदे बराबर है ते आ जिहड़ी भुजा आ इह इस भुजा दे बराबर होवे तां त्रिभुज ए बी सी ते डी ई एफ आ दो त्रिभुजा दे विच कोण बी कोण ई दे बराबर डी सी भुजा भुजा ई एफ दे बराबर ते भुजा सी कोण सी जिहड़ा है कोण एफ दे बराबर होवे तां असीं इह कह सकदे हां कि इह जिहड़ी त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी सरबंसम है त्रिभुज डी ई एफ दे ते उहदा कारण असीं की लिखांगे कोण यानी कि एंगल फिर भुजा फिर कोण यानी कि कोण भुजा कोण जिहड़ा हैगा आ उहदे नाल असीं जिहड़ा हैगा इस नियम नूं जिहड़ा हैगा थ्योरम जिहड़ी हैगी उहनूं मन के चलदे आ कि बिल्कुल सही थ्योरम है वैसे जदों डिटेल्ड लैक्चर दे विच मैं इस थ्योरम दा तुहानूं प्रूफ भी करवाया सी उसनूं तुसीं रिमाइंड ही अपने लैक्चर दे विच अपने नोट्स दे विच देख सकते हो हुण उस तों बाद इह थ्योरम हो गई इहदे विच इक बड़ा वड्डा सवाल उठदा है कई बार विद्यार्थी जानना चाहुंदे हन कि जेकर साडे कोल ए ए एस आ जावे तां फिर भी की दो त्रिभुजां जिहड़ियां सरबंसम होणगियां किवें मन लो साडे कोल दो त्रिभुजां ने आ पहली त्रिभुज है आ दूसरी त्रिभुज है इन्हां दो त्रिभुजां दे विच आ वाली भुजा इस भुजा दे बराबर है आ कोण इस कोण दे बराबर है ते इह वाला कोण इस कोण दे बराबर है तां की मैं हुण भी कह सकदा हां कि बई इह इह जिहड़े इह जिहड़ा जिहड़े आह दो कोण है ते आह भुजा आ इह त्रिभुजां आपस च सरबंसम हन ठीक है जी ते इहदा जवाब है हां जी बिल्कुल कह सकदे हो उहदा कारण की है कि जदों भी त्रिभुज दे दो कोण आपस च बराबर हुंदे हन ते तीसरा कोण ऑटोमैटिकली यानी कि अपने आप आपस दे विच बराबर होएगा उहदा कारण की आ कि त्रिभुज दे तिन्नां कोणां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है इस त्रिभुज दे विच तिन्नां कोणां दा जोड़ 180 डिग्री है जेकर आह दो कोण इन्हां दो कोणां दे बराबर हन ते तीसरा कोण अपने आप आपस दे विच बराबर होएगा ठीक है जी इस करके ए ए ए कोण कोण भुजा नूं भी जिहड़ा हैगा आ असीं सरबंसमता दा नियम मन के चलदे हां चलो आओ विद्यार्थियों असीं इस दे नाल इह जिहड़ियां चीजां दित्तियां इस दे नाल दा इक सवाल करके देखिए ते फिर उस तों बाद असीं अगली थ्योरम वल चलांगे ठीक है जी सवाल विद्यार्थियों इस करके करना है कि आपां नूं इह पता लगदा रहे कि कीहड़ी थ्योरम जिहड़ी हैगी उह किस ढंग नाल हो सकती है ठीक है जी सो सवाल है इहदा प्रश्न है रेखाखंड ए बी एक दूसरी रेखाखंड सी डी दे समानांतर है समानांतर है ओ सॉरी विद्यार्थियों जल्दी ओ एडी दा मध्य बिंदु है जिहड़ा ओ है ओ एडी दा मध्य बिंदु है सिद्ध करो यह स्टेटमेंट तुहानूं मैं डायग्राम दे नाल समझावांगा फिर तुहानूं ज्यादा वधिया समझ लगेगी सिद्ध करो हजे स्टेटमेंट लिख लैंदे आ सिद्ध करो पहली चीज की सिद्ध करनी है त्रिभुज ए ओ बी सरबंसम है त्रिभुज डी ओ सी दे ते दूसरी चीज आपां सिद्ध करनी है ओ जिहड़ा है ओ बी सी दा मध्य बिंदु है ठीक है जी इस चीज नूं सिद्ध करन दे लई असीं इधर इधर डायग्राम बनांदे हां डायग्राम कुछ इस ढंग नाल बनेगा ठीक है जी इन्हां नूं आपस विच जोड़िया इहनूं भी आपस विच जोड़िया ठीक है जी इहदा नाम दित्ता गया है जी ए बी सी डी ते आ है तुहाडे कोल ओ इहदे विच जिहड़ी उहने चीज कही रेखाखंड ए बी एक दूसरी रेखाखंड सी डी दे समानांतर है इहदा मतलब आ समानांतर दा निशान पालदे इह दोवें रेखावां आपस विच की हन समानांतर हन ओ ए डी दा मध्य बिंदु है ओ जिहड़ा हैगा ओ ए डी दा मध्य बिंदु है इहदा मतलब ए भुजा इस भुजा दे बराबर है ओ ए बराबर ओ डी है ठीक है जी ते सिद्ध असीं इह करना है आ वाली त्रिभुज इस त्रिभुज दे की है आपस दे विच सरबंसम है इहदे विच देखो सिद्ध किवें करना है इत्थे मैं डायरेक्टली सवाल नूं हल कर रहा देखो त्रिभुज ए ओ बी
त्रिभुज डी ओ सी विच इना दो त्रिभुजा विच इनू कोण एक का नाम दे देना, इनू कोण दो का, इनू कोण तीन का, इनू कोण चार का। कोण एक बराबर कोण दो कारण है विद्यार्थियों एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों ने, क्योंकि ए बी जिहड़ा हैगा वह सी डी दे की है समानांतर है। जेकर जेकर ए बी जिहड़ा हैगा वह समानांतर है सी डी दे, इहदा मतलब कोण एक बराबर कोण दो उहदा एकांतर कोण बनेगा। उवें वी आपां जाणदे हां एकांतर कोण कदों बनता, जदों समानांतर रेखावां दे विचकार जेड दा निर्माण हुंदा है। देखो जेड बनिया ना पूरा, इथों लैके इधर नूं गए, इधर नूं गए, इधर नूं गए, आ दो रेखावां समानांतर है ते उहनां दे विचकार जदों जेड दा निर्माण हुंदा है तां उह की हुंदी आ आपस च जिहड़े एकांतर कोण बनते हैं। उस तो बाद है कोण तीन बराबर कोण चार दे, कोण तीन कोण चार दे बराबर हैं, क्यों, शिखर सन्मुख कोण, यह शिखर सन्मुख कोण हो गए ने, यह बराबर हो गए ने। फिर उन्हें क्या ओए बराबर ओडी, यह तो दिता है सानू, यह तो उन्हें दिता है सानू ओए बराबर ओडी। इसका अर्थ यह हो गया त्रिभुज ए ओ बी सरबंसम है त्रिभुज डी ओ सी दे, ए ओ बी जी है वह डी ओ सी दे सरबंसम जी हो गई है। जेकर यह दो त्रिभुजा आपस के सरबंसम हैं तो इसका अर्थ की है, उन्हें की दूसरे नंबर से की सिद्ध करने क्या सी, जिहड़ा ओ है वह बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है जी, जेकर ओ बीसी का मध्य बिंदु है तो असल दे विच ओ सानू यह कहना चाहता कि मैं यह सिद्ध करा कि ओ बी बराबर ओसी है। सिद्ध मैं यह करना कि ओ बी जिहड़ा है वह ओसी के बराबर है। हुण इस तो बाद मैं इधरले पासे लिखा, क्योंकि यह दो त्रिभुजा सरबंसम हैं इस करके पार्ट टू जिहड़ा हैगा ओ बी बराबर ओसी इहदा करना है सी पी सी टी। इस लैक्चर दे विच मैं पहले ही तुहानू दस चुका हाँ सी पी सी टी की हुंदा है कि दो सरबंसम त्रिभुजा दीआं संगत भुजावां आपस च बराबर हुंदीआं हन। अंग्रेजी दे विच शॉर्टकट लिखण लई हुंदा सी पी सी टी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि दो सरबंसम त्रिभुज दीआं संगत भुजावां आपस विच बराबर हुंदीआं हन। ते ए की हो गया ओ बी बराबर ओसी जिहड़ा हैगा साडे कोल आ गया, ते इहदे नाल साडा ए सवाल जिहड़ा हैगा हल हो जांदा है। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करदा हां तुसीं इस चीज़ नूं समझिया होवेगा। आओ विद्यार्थियों असीं चलिए हुण इस दे अगले कंसैप्ट दे वल जिहड़ा कि असीं पहलों भी कर चुके हां। सरबंसमता दे नियम विद्यार्थियों सिर्फ इन्ने की नहीं हुंदे, ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਿਓਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਥਿਓਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ बराबर भुजावां दे सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन। देखो आ चीज आ गई, इहदे विच उह कहिंदा पिआ कि एक एक त्रिभुज है, मान लो इत्थे एक त्रिभुज बना दिंदा मैं, इस त्रिभुज दे विच मैं कह रहा ए ए आ बी आ ते सी आ, यह चीज कह दी जाती है कि ए बी बराबर ए सी है। आ चीज कहती है ए बी बराबर ए सी है, वह कहता सम दो भुजी त्रिभुज आ होगी ना, ए बी बराबर ए सी सम दो भुजी त्रिभुज होगी दियां बराबर भुजावां, बराबर भुजावां केड़ियां ए बी ते ए सी दे सरमुख कोण, ए बी का सरमुख कोण केड़ा कोण सी, ते ए सी दे सरमुख कोण केड़ा कोण बी। ठीक है जी, सो ए जिहड़े हैगे इहनां दे बराबर दे कोण जिहड़े हैगे उह बन गए आ, ते ए साडे कोल की आ जाएगा अपने कोल ए ए, जेकर ए बी बराबर ए सी है इसलिए कोण बी बराबर कोण सी जिहड़ा हैगा आ उह होएगा। ठीक है जी, ते इस थ्योरम की खास गल इह आ कि इस थ्योरम का उल्ट जिहड़ा हैगा उह भी अपने आप दे विच ही एक थ्योरम है, उह मैं इस थ्योरम दे विच तुहानूं समझा दिंदा। उह कहिंदा कि सम दो भुज त्रिभुज नहीं गणा, किसी त्रिभुज दे विच जेकर कोई दो कोण आपस दे विच बराबर होण तां उहनां दीआं संगत भुजावां भी आपस दे विच बराबर हुंदीआं हन। सो इस गल नूं याद रखो, फिर मैं कह रहा कि जेकर किसी त्रिभुज दे विच दो कोण आपस दे विच बराबर हुंदे हन, देखो हुण इहदा उल्ट हो गया, हुण मैनूं आ कहता कि बई आ दो कोण आपस च बराबर नहीं, यानी कि कोण बी बराबर कोण सी है। ठीक है जी, हुण इह की आ रहा कोण बी बराबर कोण सी है, इसलिए कोण बी दे जिहड़े सन्मुख भुजा केड़ी है ए सी, बराबर कोण सी दे सन्मुख भुजा केड़ी है ए बी, इहदा मतलब ए सी बराबर ए बी है। ए बी एक थ्योरम दा जिहड़ा हैगा पार्ट है, ते त्रिभुज दी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैगी आ, खास प्रॉपर्टी हैगी आ। चलो विद्यार्थियों आओ इस खास प्रॉपर्टी दे नाल जुड़ा होया एक दा सवाल करके देखते हैं।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਭੂਜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਭੂਜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭੂਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜਾਂਪਲ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਭੂਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਬੀ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਭੁਜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ 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 ਦੰਸ਼ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਣ ਬਣਦਾ, ਆਹ ਕੋਣ ਤੇ ਆਹ ਕੋਣ, ਕੋਣ ਏ ਕੋਣ ਬੀ ਕੋਣ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਏ ਸੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਏ ਬੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਏ ਸੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਆ ਹੋਏਗਾ ਕੋਣ ਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਮਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਏ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਬੀ ਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਏ ਸੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੀਸੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਏ। ਦੇਖੋ ਬੀਸੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਹ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਬੀਸੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਏ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਮਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਣ ਏ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਬੀ ਦੇ, ਕੋਣ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਸੀ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ ਏ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕੋਣ ਏ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਐਕਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ ਏ ਜਮਾ ਕੋਣ ਬੀ ਜਮਾ ਕੋਣ ਸੀ ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ, ਐਕਸ ਜਮਾ ਐਕਸ ਜਮਾ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ, 3x ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ 180/3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 6×18 ਐਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 60 ਡਿਗਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਭੂਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਐਕਸ ਦੇ, ਤੇ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਭੂਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਇਸ ਦੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਗੁਣ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਬਨਸਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਬਨਸਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬਨਸਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ RHS। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਮਕੋਣ ਫਿਰ ਕਰਨ ਤੇ ਭੁਜਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਕੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਕੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਮਕੋਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਦੇਖੋ ਸਮਕੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਹ ਕਰਨ ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ठीक है जी डी ई एफ दोनों के बराबर आ जाता आ आधार से आ लंब लंब के आधार के कोई भी एक भुजा चाहे मान लो चाहे मान लो कोई भी एक भुजा जी है वह बराबर आ जाती पहला समकोण होना चाहिए दूसरा का कर्ण बराबर होना चाहिए तीसरी उसकी कोई जो बाकी दो भुजावां बच गई उन्होंने दो भुजावां कोई एक भुजा जी है वह भी आपस में बराबर हो गए तो वह दो त्रिभुजा भी आपस में हो जाए सरबंसम हो जाए ठीक है जी चलो आओ विद्यार्थियों असं चलते हाँ इस दे नैक्सट थ्योरम के वाल अच्छा इन एक चीज होर हैगी इनू जरा आप समझना हो कई बार विद्यार्थी की करते हैं क्योंकि आप छोटी क्लास पाइथागोरस थ्योरम जी है कीती हुई है ठीक है जी सो कई विद्यार्थी करते दो भुजावां दित्तियां ते तीजी भुजा कट लेंदे आ सो वह लंबा थोड़ा जिहा प्रोसीजर है जिहड़ी चीज जिस हिसाब नाल चलती हुई उहनूं उस हिसाब नाल चलाया जाए तो वधिया रहिंदी है ठीक है चलो असं चलते हाँ इस दे अगले कंसैप्ट दे वल ते इसका अगला कंसैप्ट की है विद्यार्थियों इसकी एक थ्योरम है होर वह थ्योरम असं की कीती सी जिहड़ा इस तों पहले वाला साडा लैक्चर सी उस लैक्चर दे विच मैं यह गल कीती सी थ्योरम हैगी है साडी थ्योरम है जेकर किसे त्रिभुज दिया जेकर किसे त्रिभुज दिया दो भुजावां बराबर ना हो दो भुजावां बराबर ना हो जेकर किसे त्रिभुज दिया दो भुजावां बराबर ना हो लंबी भुजा दे सामने लंबी भुजा दे सामने दा कोण वड्डा हुंदा है दा कोण वड्डा हुंदा है ठीक है जी यह है जी जेकर किसी त्रिभुज दियां दो भुजावां बराबर ना होण तां लंबी भुजा दे सामने वाला कोण जिहड़ा हैगा वह वड्डा हुंदा है मान लो साडे कोल आ एक त्रिभुज हैगी आ असीं जाणदे हां कि आ ए बी सी ए बी सी त्रिभुज है इहदे विच सब तों लंबी भुजा देखण च लगदी है कि ए सी है सब तों लंबी भुजा लेकिन जेकर ए ए सी सब तों लंबी भुजा है तां इस ए सी दे सन्मुख कोण किहड़ा है कोण बी तां कोण बी जिहड़ा हैगा आ उह सब तों लंबा कोण जिहड़ा हैगा वड्डा वड्डा कोण जिहड़ा हैगा उह होएगा ठीक है जी सो प्यारे विद्यार्थियो सेम एसी थ्योरम दा जिहड़ा उल्ट है उह भी अपने आप दे विच पूरा सिद्ध हुंदा है उह की हुंदा है जेकर किसे त्रिभुज दियां दो भुजावां बराबर ना हो देखो दो भुजावां बराबर नहीं है सब तो वड्डे कोण दे जिहड़ा सब तो वड्डा कोण होगा उस दे सन्मुख भुजा जिहड़ी होगी सब तो वड्डी भुजा जिहड़ी है कहलाएगी ठीक है जी सो यह चीज याद रखनी है जेकर दो भुजावां मतलब दो भुजावां बराबर नहीं है कहने का मतलब एक विखमभुजी त्रिभुज है एक विखमभुजी त्रिभुज दे विच सब तो वड्डी भुजा दे सन्मुख कोण जिहड़ा हुंदा है सब तो वड्डा हुंदा है जां फिर यह कह लो कि एक इदां दे त्रिभुज जिहदे विच तीन कोण वखरे वखरे ने तां सब तो वड्डा कोण जिहड़ा होएगा ठीक है जी सब तो वड्डा कोण जिहड़ा होएगा उहदे सन्मुख भुजा जिहड़ी हैगी सब तो वड्डी होएगी ठीक है जी सो यह गल याद रखनी हैगी दोवें चीजां जिहड़ियां अपने आप दे विच इह ट्रू ने ठीक है जी आओ विद्यार्थियों एक सवाल होर देखते हाँ उस सवाल तो बाद असीं जिहड़ा हैगा अपना चैप्टर जिहड़ा माइंड अप करांगे लेकिन वह सवाल जिहड़ा है वह मेरे वास्ते नहीं है वह सवाल मैं नहीं करांगा वह सवाल जिहड़ा हैगा वह आप लोगों ने मैनूं करके दिखाउणा है ठीक है जी मैं सिर्फ उस सवाल दा आपनूं हिंट देवांगा प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी दी भुजा त्रिभुज ए बी सी दी भुजा बीसी ते डी एक अजिहा बिंदु है कि एडी बराबर एसी है यानी कि वह बिंदु कुछ इस ढंग है बीसी उत्ते डी कि एडी जिहड़ा हैगा आ वह एसी के बराबर हो जाता है तो असी की दिखाना दिखाओ कि ए बी वड्डा है एडी तो ठीक है जी एदे विच की करता मैं आप जी नूं इह सवाल जिहड़ा हैगा वह चित्र के राही समझाने की कोशिश करता है मैं सिर्फ सवाल समझावांगा करना आप जी ने आप है ए बी सी विचकार एक बिंदु ले लिया जी मैं आ डी बिंदु ले लिया जी ठीक है जी इस बिंदु डी बिंदु मान लिया आ जिहड़ी भुजा हैगी आ इह की बन गई अपने कोल बिंदु डी दे विच आ गई इहदे विच सानूं दित्ता की है एडी बराबर एसी आ चीज सानूं दित्ती हुई आ ठीक है जी ते असीं सिद्ध की करना चाहते हाँ आ ए बी वड्डी है एडी तो आ जिहड़ी ए बी है एडी तो वड्डी है यह चीज नूं जिहड़ा हैगा असीं सिद्ध करना है ठीक है जी सो प्यारे विद्यार्थियों आ डायग्राम है आ सवाल है पूरा चैप्टर करवाउण तों बाद मैं आप तों उम्मीद करता हाँ
कि तुसी घट्टो घट ए वाला सवाल जिहड़ा है ए मैनू जरूर करके दिखाओगे ते तुसी हले तक जिन्ना भी लैक्चर असी इस तो पहले वाले लैक्चर पूरे डिटेल दे विच लगाए आ ते अज दा लैक्चर सिर्फ ते सिर्फ ए पूरे चैप्टर नू कंपाइल करन वास्ते पूरे चैप्टर नू एक ही लैक्चर दे विच जिहड़ा संजो के आपां लिआंदा आ ओह इस करके लिआंदा कि जेकर पूरे चैप्टर की दोहराई एक चैप्टर दे विच हो जावे तां एक पूरे चैप्टर की रिविजन जिहड़ी हैगी ओह साडी अद्धे घंटे दे विच पूरी रिविजन जिहड़ी साडी क्लीयर हो जांदी है। सो इस सवाल नूं करके तुसीं अपने आप नूं भी तसल्ली दे सकदे हो कि हाँ मेरा जिहड़ा हैगा ओह चैप्टर जिहड़ा हैगा ओह पूरा क्लीयर है। सो आप जी तो धन्नवाद लैंदा हां, उम्मीद हां तुहानूं इह लैक्चर समझ आया होगा। धन्नवाद विद्यार्थी।